डी ये स्टूडेंट्स वी आर डिस्कसिंग इंडस्ट्रियल मेडिसिन एंड रिबोट इंडस्ट्रियल मेडिसिन ये बेसिकली टेक्निकल चीज़ें हैं जो कि ऑर्गेनाइजेशन में यूज़ होती हैं अब उन चीज़ों का रिबोर्ट से क्या लिंक है अकॉर्डिंग टू मैसाटू ऑफ जपान मेडिकल इन्फॉर्मेशन सिस्टम डिवेलमेंट सेंटर मेला कैन मैनिफेस्ट इट सेल्फ एज एन अज टू क्विट वर्क जब इंसान के अंदर फटीक टेंशन स्ट्रेस इस किस्म का इन्वायमेंट पैदा हो जाता है तो इंटेंशन टू लीव जन्म लेती है इंटेंशन टू लीव का ये मतलब है कि इम्प्लाईज़ वुड लाइक टू लीव दी ऑर्गेनाइजेशन इस स्टेज पे इम्प्लाईज़ को हमको नहीं जाने देना इंडस्ट्रियल मेडिसिन एंड मैच द ह्यूमन सिस्टम्स एंड द कंप्यूटर सिस्टम क्या आपकी जो फिजिक है क्या आपकी जो बॉडी है क्या आपकी जो इंटेलेक्चुअल एबिलिटीज़ हैं क्या आपकी जो गजियन ऑफ़ बॉडी है वो कंप्यूटर के साथ यूजर फ्रेंडली है क्या आप उस चीज़ को आइसोलेशन में काम करना पसंद करते हो अगर आप आइसोलेशन में काम करना नहीं पसंद करते आप सोशल इंट्रेक्शन पसंद करते हैं तो चांसेस है वहाँ पे ऑर्गेनाइजेशंस की ह्यूमन इंट्रैक्शन विद रिबोर्ट्स में प्रॉब्लम हो सकती है इनिशिएट जॉब चेंजिंग अपॉर्चुनिटीज़ ये इंप्लाइज को जॉब चेंजिंग अपॉर्चुनिटीज दी जाती है कि मैनुअल काम से ऑटोमेशन की तरफ मैनुअल काम से रिबोर्ट्स की तरफ मैनुअल काम से ह्यूमन इंटरेक्शन विद रिट्स की तरफ और इन सब चीज़ों के लिए हमें ये देखना चाहिए कि जो इम्प्लाइज़ है वो वर्क प्लेस में सेटिसफाई है कि नहीं एनक्रेज रिक्रिएशन और इनक्रेज क्रिएशन इम्प्लाइज को रिक्रिएशन और क्रिएशन के नया काम करने में एक्नॉलेज करें इनक्रेज करें फिर काफ़ी हद तक आप ऑर्गेनाइजेशन गोल को बेटर वे में अचीव कर सकते हैं प्रमोट द इफेक्टिव यूज ऑफ नॉन वर्किंग आर आप जिस काम को करने के लिए अपने नॉन वर्किंग आर को यूज़ करना शुरू कर दें वो एम्प्लॉय के अंदर लेवल ऑफ मोटिवेशन बहुत हाई होता है आई एम डिलीवरिंग अ लेक्चर अगर ये वर्किंग आवर मेरे हैं तीन घंटे मैं इससे बियॉन्ड और इससे पहले भी अगर काम करूँ तो इसका मतलब है आई एम सेल्फ मोटिवेटेड तो ये चीज़ असल में इंप्लाईज के अंदर हमने डिवेल्प करनी है अगर ये चीज़ें आप डिवेल्प कर लेंगे तो डेफिनेटली वही ह्यूमन जो है वही जो इंप्लाईज़ है वही जो वर्कर है वो ऑर्गेनाइजेशन की बेहतरी के लिए काम करेगा अकॉर्डिंग टू गैरी ऑफ द यूनिवर्सिटीज ऑफ वायोमिंग

मीनिंगसनेस इज द फीलिंग्स वर्कर्स गेट वेन देयर जॉब बिकम सो स्पेशाइज्ड एंड सो टेक्नोलॉजिकल डिपेंडेंट इंप्लॉइज की जॉब बहुत टेक्निकलीसपर्ट रिक्वायरमेंट कर रही है लेकिन वो टेक्नोलॉजिकली एक्सपर्ट नहीं है वो आपसे डिजायर रिजल्ट हासिल नहीं कर सकते आप उससे मैं एक एग्जाम्पल देता हूँ आपने कैश बुक बनवानी है उसके लिए टेक्निकल बंदा रिक्वायर्ड है आई कॉम बी कॉम एम काम बंदा रिक्वायर्ड है आप बी ए पास को कहें कि आप कैश बुक प्रिपेयर करें है कि वो बंदा उस चीज को फुटीक समझेगा क्यों उसकी बैकग्राउंड वो नहीं है वही चीज उसके लिए स्ट्रेस बन जाएगी राइट पर्सन एट द राइट जॉब का भी यहां रखना बहुत इम्पॉर्टेंट है टेक्नोलॉजिकल अलाइनेशन इन दटोमेटेड वर्क प्लेस नॉर्मलेसनेस इज द फिना इन विच पीपल वर्किंग इन हाईमेटेड इन्वासनेस इज द प्रोसेस ऑफ डबिंग डाउन दर्क प्लेस इसका ये मतलब है डी स्टूडेंट्स आर्गनाइजेशन के अंदर एम्प्लाई को रेस्ट लेसनेस लेवल के ऊपर नहीं पहुँचाना हमने इम्प्लाई को मोटिवेट रखना है बल्कि सेल्फ मोटिवेट रखना है और इम्प्लाई का एनर्जी लेवल हाई रखना है और इम्प्लॉ को ट्रेन करना है एजुकेट करना है उसके बाद आर्गेनाइजेशन वर्किंग के लिए उसको लेके आना है चाहे कोई भी काम हो चाहे वो टेक्नोलॉजिकल ह्यूमन इंट्रैक्शन रिक्वायरमेंट हो कंप्यूटर रिक्वायरमेंट हो रिबोट रिक्वायरमेंट हो वही इंप्लाई बेहतरीन वे में आपके टारगेट अचीव करेगा